हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल एमबीएससी वेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप मेरा चैनल देखते हैं और मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, फीडबैक देते हैं और आप मुझे कॉल करके बताते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज एक महत्वपूर्ण केस डिस्कशन लाया हूं मैं और वो बहुत जरूरी है एज ए वेट्स और पेट्स पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो बीमारी है वो बहुत ही घातक होती है। इस समय अभी सीजन चल रहा है मार्च का एंडिंग, तो ये जनवरी से चालू होता है केनाइन पार्वो वायरस और मार्च तक लगभग केस चलते हैं और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में जो पप्स होते हैं उनको अफेक्टेड करते हैं और जो एडल्ट डॉग होते हैं वो भी सफर करते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका बहुत विशेष ध्यान रखें। जो हम केनाइन पारो वायरस की बात कर रहे हैं उसका जो रोकथाम का एक तरीका है वो वैक्सीनेशन है। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं तो आपका जो पप्स हैं या एडल्ट डॉग है वो केनाइन पारो वायरस से सफर करेगा। उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मेन सिम्टम क्या होते हैं, फर्स्ट है वॉमिटिंग, डायरिया और डल, और जो पेट है वो एकदम लूज हो जाएगा और जो स्मेल आने लगेगी उसमें से, ये उसके डायग्नोस्टिक फीचर हैं। कुछ टेस्ट भी होते हैं लेकिन फील्ड कंडीशन में टेस्ट किट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आप सिम्टम के आधार पर भी पहचान सकते हैं कि ये पारो वायरस से ग्रसित है। इसमें जो न्यूबॉर्न पपी होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो ये ध्यान रखें। सिम्टम तो आप सभी पहचान लेंगे। उसके बाद जो इनिशियल सिम्टम आ गए, वन टाइम डायरिया, आफ्टर दैट 2 या 3 दिन के बाद जो है डायरिया होता है वो हिमोरेजिक डायरिया, जिसको ब्लडी डायरिया भी बोलते हैं, तो वो सिम्टम मिलेंगे। और पानी या खाना खाया तो तुरंत वॉमिटिंग कर देता है, ये भी सिम्टम मिलता है। तो ये इस आधार पर आप पहचान सकते हैं कि आपका जो पपी है या फिर एडल्ट डॉग है आपका केनाइन पारो वायरस से सफर कर सकता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहता है कि आपके जो पेट्स हैं उसको बिल्कुल खाना और पानी नहीं देना है जब तक वो रिकवर नहीं करें। अगर आपने खाना और पानी दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका ये पेट्स रिकवर होने में बहुत टाइम लेगा या बहुत सीवियर भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने खाना दिया वोमिटिंग करेगा, वोमिटिंग ज्यादा करने के कारण क्या हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा तो आपका पप्पी कभी भी कोलेप्स हो सकता है। दूसरा जो इंटेस्टाइन है उसमें जो वायरस है वो ग्रो करने के कारण इंटेस्टाइन की विलाई होती है वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के बाद डाइजेशन नहीं होगा, फूड वहां रहेगा तो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, और रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो सीवियर होता जाएगा, तो इसको ये ध्यान रखें। दूसरा जो पॉइंट्स हैं ट्रीटमेंट का, ऐसा वायरल डिसीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है लेकिन इसमें क्या है, डिहाइड्रेशन होता है तो आप डिहाइड्रेशन के लिए फ्लूड थेरेपी करें, और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती है। ब्लडिंग होती है, कैपिलरी हिमोरेज होता है, उसके लिए एथम साइलेट यूज किया जाता है। तो इसको किस डोज में देते हैं वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हम मोस्टली जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं वो सेप्टाइजन करते हैं, उसको 20 mg/kg बॉडी वेट के रेट से देते हैं। दूसरा जो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं अमिकासिन देते हैं सल्फेट, और अमिकासिन सल्फेट 10 mg/kg बॉडी वेट। एंटी एमेटिक के लिए जो ज्यादातर मेरे द्वारा यूज किया जाता है वो है ऑंडेंसेंट्रोन 0.2 mg/kg बॉडी वेट, और एंटा एसिड के रूप में रेनिटिडिन यूज किया जाता है 1 mg/kg बॉडी वेट के दर से। और उसके बाद जो फ्लूड है वो मेरा चॉइस ऑफ फ्लूड है, लिटरेचर के अनुसार ही कुछ वेट्स का अलग रहता है पर मोस्टली सेम होता है। हम जब वोमिटिंग अगर ज्यादा कर रहा है डॉग या मेडिसिन का जो देने देना है अपने को, तो हम एनएस का यूज करते हैं, तो उससे वोमिटिंग से जो हाइपोनेट्रीमिया होता है वो भी कवर हो जाता है नॉर्मल सेलाइन। और दूसरा जो मेन फ्लूड है वो रिंगल लैक्टेज है आरएल, और थर्ड जो है डीएनएस देते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि कब कौन सा फ्लूड देते हैं, अगर हमारा पप्स ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो हम आरएल प्रिफर करते हैं आरएल के साथ एनएस, और जब हमारा पपी हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन में जाता है, वीक हो जाता है, लड़खड़ाता है और हमें लगता है कि इसमें ग्लूकोज की बहुत जरूरत है, बहुत ही वीक हो गया है, तो उसमें हम डीएनएस ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू उसके सिम्टम्स आप कैसे जा रहा है, जब फर्स्ट डे देखेंगे हम तो एक्टिव मिलना है पप तो हम लोग फ्लूड्स में एनएस दे देते हैं आरएल दे देते हैं, लेकिन जब थर्ड डे फोर्थ डे पे पहुंचते हैं तो वीकनेस बढ़ती जाती है, तो वीकनेस बढ़ती जाती है तो हमें डीएनएस की आवश्यकता होती है, और डीएनएस देते हैं तो वो वीकनेस खत्म हो जाती है। कुछ सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसमें लिटरेचर के अनुसार हम हेटा स्टार्च दे सकते हैं, और इसमें एक हाइपोकेलेमिया भी होता है। अगर लैब लेबोरेटरी रिपोर्ट आपको मिले या आपने लैब रिपोर्ट करवाई तो आप पोटेशियम क्लोराइड के इन्फ्यूजन भी आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो डोज रेट होता है वो
वो 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा लिटरेचर देखे इसके, उसके बाद ही इसको यूज करें। और जैसा ये पपी होता है वो सेवंथ डे पे लगभग कवर करता है, आप इसको वेट करना रहता है कि आपने आज इंजेक्शन दिया तो आज ही आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसकी पूरी साइकिल चलती है, 3 डे तो आपको कोई सिम्टम नहीं मिलेंगे जब से इन्फेक्शन हुआ जब से, और अब 3rd डे के बाद जब इन्फेक्शन के जो सिम्टम आएंगे वॉमिटिंग डायरिया, तो उसको अपन जब अपने पास ट्रीटमेंट के लिए आया तो 1st डे माने, तो 1st डे अगर जिसमें सिम्टम अनसेट ऑफ 1st डे तो 6ठे या 7वें दिन आपका पपी कवर होगा। उसके बाद जो फीडिंग है वो फीडिंग में क्या करवाएं, फीडिंग महत्वपूर्ण होती है कि फीड कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो फीड है वो वाटर दें, वाटर आपको 1-2 चम्मच दे के देखें। अगर वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है तो आप स्टॉप कर दें, कंटिन्यू ड्रिप और एंटीबायोटिक पर रखें। अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही तो वाटर के बाद में हम दही यूज कर सकते हैं, और दही के बाद में राइस वाटर जो है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो फीड में स्लो स्लो एक के बाद एक नॉर्मल डाइट, और फिर जो पपी के जो आते हैं अपने पास सेरेलेक, पपी सेरेलेक जो आते हैं वो आप यूज करें, उससे भी अच्छा रिजल्ट होता है। क्योंकि जो इंटेस्टाइन एक बार डिस्टर्ब हो गए हैं उसको ऑन एक नॉर्मल फंक्शन होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ध्यान रखें कि उसको ऐसा फूड दें जो फैट नहीं हो, डाइजेशन इजी हो जाए उस टाइप फूड दें, तो बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है। धन्यवाद।